हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से, चैप्टर लिया हमने डिफरेंशिएशन। एक बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन लेके आए हैं, 4 मार्क्स के बैठ सकता है और एक शानदार क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन के लिए ऐसा कह सकता हूँ कि अगर ये आपके हाथ का किया हुआ नहीं है एक बार, तो बोर्ड एग्जाम में इसे ट्राई कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो किस तरह से वाई दिया है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और प्रूफ करके लाना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4। तो चलो सबसे पहले वाई का डेरिवेटिव भी कर लेते हैं। तो वाई का डेरिवेटिव dy by dx, तो चलिए dy by dx करते हैं। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, फिर प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, लेकिन x तो लिखा नहीं है, ये तो माइनस x लिखा है, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखते हैं उसके लिए, d अपॉन dx ऑफ माइनस x। अगला स्टेप देखें, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब माइनस x का डेरिवेटिव, भाई माइनस से तो कोई मतलब नहीं है, वो तो रहेगा ही रहेगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो ये लीजिए कितना आ गया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, जो किसका वैल्यू आ गया, dy by dx का वैल्यू आ गया। लेकिन चेक करो, हम तो dy dx निकाल चुके हैं ना, dy dx प्रूफ क्या करना है, ये तो कुछ और ही प्रूफ करने के लिए आ गया। कैसे लाओगे, यही क्वेश्चन का ट्रिक था। मैंने कहा था ना, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपने नहीं ट्राई किए हुए तो बोर्ड एग्जाम में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखो ट्राई करते हैं, इसको तो यही छोड़ देते हैं, ये तो कंफर्म है कि इस तरह से तो आंसर नहीं आएगा, कोई लॉजिक तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। अगर मैं प्रूफ को देखूं तो dy dx में y की टर्म्स में कुछ है, और वो भी y पे स्क्वायर है, क्वेश्चन में y मौजूद तो है मेरे पास। तो देखो मैं अपना y पहले सेपरेटली लिख लेता हूं, ठीक है। अब जैसे कि मुझे y पे स्क्वायर चाहिए, तो मैं भी क्या करता हूं, यहां स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेता हूं। तो चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ध्यान से देखो, प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए और इंटू बी। जरा ध्यान से देखना, ये e की पावर x है, ये 1 अपॉन e की पावर x है, तो उस नियम के हिसाब से तो कट गया ये। तो ये कितना बचा, वाई स्क्वायर इक्वल टू, और पावर पे पावर लगी है, तो ध्यान रखना इसे आप एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, 2x लिखना पड़ेगा। अगर पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, e की पावर 2x, गलती से भी इसे e की पावर x स्क्वायर मत लिखना, ठीक है। अगला, प्लस e की पावर माइनस का 2x और प्लस का 2। जरा ध्यान से देखना, y स्क्वायर की वैल्यू आ गई इतनी, मुझे y स्क्वायर में क्या चाहिए, एक माइनस 4 चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड एक माइनस 4 कर देता हूं, तो y स्क्वायर माइनस का 4, उधर माइनस 4 करेंगे, तो e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x प्लस 2 और माइनस का 4। ये वाला पार्ट तो देखो एग्जैक्ट मैच हो रहा है, चिंता मत करो, रूट भी आ जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x, और ये देखो कितना हो गया, ये माइनस का 2 हो गया। अब सोचने वाली बात ये है, इस 2ab को सॉल्व करके ही तो 2 आया था, तो अब भी तो ये 2 ही लिखा हुआ है, तो वापस क्या मैं इसे वापस 2ab लिख दूं। देखो मतलब e की पावर x और e की पावर माइनस x पर कैंसिल आउट हो जाता है, जो कट के 2 आ गया था, तो जो मेरे पास 2 आया हुआ है उसमें वापस एक e की पावर x और e की पावर माइनस x अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर देता हूं, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, अभी तो कट के 1 ही आएगा। लेकिन देखो फायदा क्या हुआ इससे, ये वापस क्या लिख सकता हूं, e की पावर x का होल स्क्वायर, e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 2 e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x। और फायदा ये हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन गया। तो कितना हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। और अगर मैं यहां से होल स्क्वायर हटाऊंगा तो पक्की बात है यहां रूट लिखूंगा, तो अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x। जरा चेक करो, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x कि तो वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं, और अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को डायरेक्टली कंपेयर करूं तो चेक करो, ये टर्म तो दोनों में सेम लिखा हुआ है, तो कंपेयरिंग करने पे होगा क्या, मैंने किया कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयरिंग क्या कहता है, कंपेयरिंग कहता है कि अगर दो अलग अलग चीजें, ध्यान से देखो, दो अलग अलग चीजें किसी सेम क्वांटिटी के बराबर हो तो कंपेयरिंग की जा सकती है। और कंपेयरिंग करने से होता यह है
कि वो जो सेम क्वांटिटी है वो एलिमिनेट हो जाती है और जो अलग अलग चीजें लिखी थी वो एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो क्या पता चला, dy by dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस का 4। चेक कर लो, क्या यही प्रूफ करना था? बिल्कुल यही प्रूफ करना था। मतलब क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत डिफरेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे वैसे भी प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे नहीं, तो जितने हो सके उतने ट्राई कर लेना। हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा सेपरेटली, उसमें इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व है, जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।